एक तरफ से होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पर है तो दूसरी तरफ से आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि आज बुधवार को शोपिया में दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई जिसमें चार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में हमारी सुरक्षा एजेंसी की सफलता हाथ लगी है। दर्शकों आपको बता दें कि शोपिया जिले में दो अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ों में जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गए हैं और एक लश्कर ए तोयबा संगठन का आतंकी मारा गया है। मोहम्मद के तीन आतंकी द्रास क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं जबकि लश्कर ए तोयबा का आतंकी मुलू क्षेत्र से मारा गया है। यह आतंकी 2 अक्टूबर को पुलवामा में एसपीओ जावेद डार और 24 सितंबर को वेस्ट बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की हत्या में भी शामिल पाए गए हैं। निसंदेह इस वक्त सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट पर है क्योंकि होम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर का दौरा है, लेकिन बावजूद इसके आतंकी जो है अपने होने का एहसास करवा रहे हैं और लगातार से जब से यहाँ पर अमित शाह की विजिट का शेड्यूल तैयार हुआ है, सूचना मिली थी, तब से आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसी उनका मुंह को जवाब दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं जिस तरह से ये आतंकी गतिविधियां हमें रोजाना देखने को मिल रही है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि नितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।